हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, अपन देख रहे थे मध्यकालीन राजस्थान अजमेर चौहान, आज बारी अपने पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा की। ठीक है, सबसे पहले अपन काल देखते हैं 1177 से 1192। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कई रूलर मैंने देखो अभी तक सबकी, किसी का नहीं बोला मैंने आप ड्यूरेशन ध्यान रखो राज का, मतलब टेन्योर, लेकिन इनका टेन्योर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1177 से 92 भाई कैसे याद रहेगा, 92 में तो अपने सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो गई, टूटी मतलब सेकंड ट्राइन तो खत्म हो गए। तराइन और टेरेन इंग्लिश में इसको बोल देते हैं टी आर ई एन टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, तो 1177 से चालू हुई, 1192 में खत्म है और 15 साल इनका टेन्योर है। 17, 12, 15 जोड़ेंगे तो अपने 1192 आ जाए। तो कितने साल इन्होंने रूल किया, 15 ईयर्स रूल किया 77 से 92। टेन्योर सीधा नहीं पूछे, कई बार इनडायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे 15 साल रूल किया तो ऐसे 15 साल गुजर पड़ती है। मैंने क्वेश्चन बताया ना, ये 50 साल उन्होंने रूल किया, वो 50 साल नहीं तो उसमें 32-35 ही आ रहे थे, ऐसे याद रखो, नागवर्दित्य का जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये देखो कितने साल रूल किया, 15 साल रूल किया 1177 से 92। अंतिम क्या, अजमेर चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था ये प्रतापी भाई। इसके बाद शासक बने इनके भाई हरिराज के बाद, नहीं पृथ्वीराजित्य के बाद बने थे इनके पुत्र गोविंदराज चतुर्थ, उसके बाद बने हरिराज, लेकिन वो प्रतापी नहीं थे। इनके पुत्र इनके बाद जो अजमेर के शासक बने गोविंदराज चतुर्थ, उनको तो गोरी ने बनाया था, और फिर गोविंद चतुर्थ को हटा के बने थे हरिराज, ऐसे है कि नहीं है। तो प्रतापी अंतिम पृथ्वीराज तृतीय थे। इनकी उपाधि क्या थी, दो है, एक और दो। एक तो उपाधि थी राय पिथौरा, है ना, राय पिथौरा, क्योंकि इन्होंने राय का तो मतलब होता है शासक और पिथौरा मतलब पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया था दिल्ली के अंदर, इसलिए बोलते हैं राय पिथौरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है क्वेश्चन। और दूसरी इनकी उपाधि है दल पुंगल, विश्व विजेता। दल मतलब विश्व, पुंगल मतलब जीतने वाला, है ना, तो विश्व को जीतने वाला दल पुंगल। ठीक है, जैसे अपन अलेक्जेंडर को नहीं बोलते हैं सिकंदर सानी, है ना, लिए बोला जाता है सिकंदर सानी, अलेक्जेंडर विश्व विजेता, ऐसे ही है अपने दल पुंगल विश्व विजेता। तो राय पिथौरा और विश्व विजेता किसकी उपाधि है, अपने पृथ्वीराज तृतीय। जैसे आपको ध्यान है पहले देखा था कटी बंधु कवि बांधव कौन, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है ना, ऐसे ये हो गए। अब जन्म हुआ 1166 में अनिलवाड़ा पाटन गुजरात, नक्शा बताया था वहां पाटन अनिलवाड़ा गुजरात, अपने जालोर से नीचे बनासकांठा, बनासकांठा से नीचे गुजरात में बनासकांठा, बनासकांठा से नीचे पाटन जिला, वहां आए अनिलवाड़ा, है ना, अपने स्टेप वेल्स के लिए जाना जाता है ये, बावड़ियों के लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाटन, बावड़ियों के लिए स्टेप वेल्स, बावड़िया स्टेप वेल्स, है ना, बावड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेल, वेल मतलब कुआ, और ऐसा कुआ जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हो, है ना, ये स्टेप सीढ़ियां, उसको बोलते हैं बावड़ी, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ओके, सोमेश्वर, है ना, क्या पढ़ा अपन ने, ये 1166 अनिलवाड़ा पाटन गुजरात। इनके पिता कौन थे, पिता थे सोमेश्वर, है ना, सोमेश्वर सोमनाथ था क्या, ठीक है ना, बचपन इनका अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में बीता था, यही पाटन गुजरात में। माता थी कर्पूरी देवी जो कि कलचुरी राजकुमारी थी, पिता अचलदास, ठीक है ना। तो पिता देख लिए, माता देख लिए अपन ने, देखा यहाँ पे, और भाई था हरिराज, बहन थी प्रभा बाई, है ना, पृथ्वी बाई प्रभा, खुद तो पृथ्वीराज चौहान और बहन में आगे प्रभा लगा देना, पृथ्वी बाई प्रभा, ठीक है, यहां तक समझे आप भाई, अपने क्या देखा भाई, उपाधि तक तो समझ में आ गया, फिर जन्म तक समझ में आ गया 1166। अब पिता माता भाई बहन देख लेते हैं एक बार, पिता माता भाई बहन, ये इसके लिए अपने को ये चार्ट में देखो, है ना, तो एक बार ये पेरेंट्री देख लेते हैं अपन, तो इससे और समझ में आ जाएगा। बता दो कितनी बार निकाल लिया अपन ने, एक मिनट थोड़ा सा नीचे ये यहाँ देखो, ठीक है, अपन आप पढ़ रहे हैं क्या, ये आ गए अपने यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय, काल अपन ने देख लिया 66 से, सॉरी 1177 से 1192 देख लिया अपन ने, है ना, ये पृथ्वीराज तृतीय अपन देख रहे हैं। माता अपन ने देखी, माता येरा कर्पूरी देवी कलचुरी चेदी अपने बुंदेलखंड एमपी राजकुमारी, पिता थे सोमेश्वर, ठीक है ना, इन दोनों की संतान कौन, अपने पृथ्वीराज तृतीय। भाई अपन ने देखा हरिराज, और फिर यहाँ साथ में और लिख लो बहन, सेम लाइन में आएंगी कौन, पृथ्वीराज प्रभा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज प्रभा, ठीक है, ये समझ गए यहां तक। और ये वाला खेमा था, ये गुजराती था, है ना, कांचन गुजराती, ठीक है, ये समझ गए आपने। तो देखो पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी कलचुरी राजकुमारी, ठीक है, और ये तो पिता है, ठीक है ना, और पिता की जो माँ कांचन देवी है गुजराती राजकुमारी थी। तो आपने देखा था कि सोमेश्वर का बचपन कहां बीता, गुजरात में बीता, अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में। ऐसे पृथ्वीराज
चौहान पृथ्वीराज तृतीय का बचपन कहाँ बीता? अपने गुजरात में बीता, अनिलवाड़ा पाटन के अंदर, क्योंकि ये खेमा क्या है, ये गुजराती खेमा, ये मारवाड़ी राठौड़ी खेमा, ठीक है ना। इस गुजराती खेमे के रिप्रेजेंटेटिव थे कौन? भुवन मल गुजराती सेनापति पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। और इस खेमे के मारवाड़ खेमे के रिप्रेजेंटेटिव थे कौन? अपने कैमास राठौड़ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपन ने देख लिया, कर्पूरी देवी देख लिया, सोमेश्वर देख लिया, भाई देख लिया, हरिराज, बहन देख ली, पृथ्वीराज प्रभा, ठीक है ना। फिर अपन जैसे देखिए ये नागार्जुन, ये इधर देखो भाई, सेम है ना, सेम समकालीन लाइन में। तो पृथ्वीराज तृतीय का ये भाई था ये, है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, अपन देख रहे हैं कि भाई चचेरा, ये इधर, सॉरी ये इधर, तो ये चचेरा भाई हो गया, ठीक है, चाचा रहता हूँ वो भाई हो गया, ठीक है। तो नागार्जुन, हरिराज तो रियल ब्रदर, ठीक है ना, और ये चचेरा भाई नागार्जुन, क्योंकि ये नागार्जुन क्या है, ये गुड़गांव है, इसमें लिख लेना आप गुड़गांव, है ना, ये गुड़गांव का एक तरह से शासक बन गया था और इसको हराया था नागार्जुन को पृथ्वीराज तृतीय ने। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, पृथ्वीराज प्रभा है ये, ठीक है, ये समझ गए इतनी चीज, है ना। तो अब मैंने यहां तक अभी आपको बताया, ये अपन ने पढ़ा, ये अपन ने पढ़ा, इसको वापस देख लो, यहां देखो, सॉरी इसके नीचे आप देखो वापस, कहां से देखोगे, जन्म यहां से देखो, हाँ पृथ्वीराज तृतीय देख रहे हैं, जन्म हुआ अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में, क्यों? क्योंकि भाई गुजरात से गुजरती खेमा था, है कि नहीं है। पिता की जो माँ कौन, कांची देवी, वो गुजराती, पिता सोमेश्वर, देख लिया अपन ने, बचपन अनिलवाड़ा पाटन में बीता पिताजी का। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ, पाटन गुजरात में पृथ्वीराज तृतीय का। माता कर्पूरी देवी देखा अपन ने, सोमेश्वर प्लस कर्पूरी देवी। भाई हरिराज, बगल में लिखा तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हरिराज। बहन पृथ्वीराज प्रभा, पृथ्वी भाई प्रभा, जो मैंने हरिराज के बगल में लिखा। इनका विवाह पृथ्वीराज प्रभा का विवाह कहाँ हुआ, मेवाड़, राजा सामन सिंह से होने के कारण सामन सिंह ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मदद की थी तराइन के प्रथम युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दिया था, ठीक है ना, सामन सिंह ने। तो एक तरह से सामन सिंह कौन हो गए, ये जियाजी हो गए, बहन का जो हस्बैंड है वो जियाजी तो होते हैं, ठीक है। तो जियाजी ने मदद करी थी, है कि नहीं है, साले साहब की, ऐसे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन कौन, पृथ्वीबाई प्रभा, जिनका विवाह हुआ कहा, मेवाड़ में, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह से, ठीक है, मेवाड़ी हो गई ये। तो इसको यूं कर दो, सामंत सिंह मेवाड़ी, ऐसे लिख लो। तो जहां आपने वहां पृथ्वीराज प्रभा लिखा ना, पृथ्वीराज प्रभा, पृथ्वीबाई प्रभा, उसके नीचे वही पृथ्वीराज प्रभा के जस्ट बिल्कुल ब्रैकेट में लिख लो क्या, सामंत सिंह मेवाड़ी, है ना। एरो लगा के मत लिखना नीचे, एरो लगा के लिख दोगे तो वो तो पृथ्वीराज पृथ्वीबाई प्रभा और सामंत सिंह मेवाड़ी की संतान हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो वहां ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपने, तो पेरेंट्री से समझ में आ गई यहां तक। अब देखते हैं अपन पत्नी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी कौन, दो पत्नियां क्या, एक पत्नी तो संयोगिता है ना, जो गैडवाल कन्नौज राजकुमारी, ठीक है, गैडवाल कन्नौज, कन्नौज किधर हो गया अपने, पश्चिमी यूपी के अंदर कन्नौज, है ना, उत्तर प्रदेश के कन्नौज। और दूसरी है इछनी आबू सिरोही की राजकुमारी, ठीक है। तो दो हो गई, संयोगिता एंड इछनी, संयोगिता एंड इछनी, संयोगिता से विवाह, संयोग से हुआ, संयोग संयोगिता होगी, इछनी से करने की इच्छा थी तो वो इछनी होगी आबू की, ठीक है ना। पुत्र गोविंदराज, पृथ्वीराज से गोविंदराज चतुर्थ ना, गोविंदराज चतुर्थ, समझ गए यहां तक चीज बिल्कुल क्लियर चल रही है, सकासक। अपन आगे देखते हैं, शासक बनने के समय आयु व संरक्षण। तो देखो शासक कब बने, ये जब बने तो 11 वर्ष की उम्र थी। तो देखो अपन ने देखा जन्म है 66 के अंदर, 1166 में, और 1177 के अंदर ये शासक बने थे। तो कितनी साल की उम्र में बने, 11, 66 में 11 जोड़ोगे 77 आएगा ना। ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ था, देखो जन्म, जन्म कब हुआ, जन्म 1166 अनिलवाड़ा पाटन गुजरात, टेन्योर में क्या लिखा हुआ है, 1177 से। तो 66 में जन्म हुआ, 77 में बने शासक बने, तो कितनी साल की उम्र में बने, 11 साल की उम्र में। और कितने साल शासन किया, 15 साल शासन किया, ऐसे, ठीक है ना, 77 से और 92 में 15 साल हो गए, 11 साल की उम्र में। देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, देखो 11 साल की उम्र में तो शासक बने और 15 साल शासन किया, तो कुल कितने साल जिए, 26 साल। और वैसे निकालो क्या, 1192 में जैसे तराइन के अपन मृत्यु माने और 1166 में जन्म, तो क्या आ रहा है, 12 और 26, ठीक है ना, और ये आ गया 8, 8 और 2, 26 आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे निकालना है,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे शासक कितनी साल की उम्र में बने, 11 साल। कितने साल शासन किया, 15 साल। शासन कितने साल किया, 15 साल। जीवित कितने साल रहे, 26 साल, है ना। तो 11, 15 और 26 याद रखनी मेरे प्यारे बच्चों। ये 11 साल की उम्र में शासक बने, 15 साल शासन किया और 26 साल जीवित रहे, है ना। जीवित में 11 साल तो भाई पिताजी थे, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो यहां तो पिताजी थे। अब ये खुद शासक रहे 15 साल, तो 11 और 15 26 साल, 26 साल कुल जीवित रहे। बचपन पिताजी की गोदी के रूप में और शासक के रूप में, ये याद रखो। 11 15 26, 11 बटा 15 बटा 26। 11 साल जब जिस समय शासक बने, ठीक है, 15 साल शासन किया और 26 साल जीवित रहे, ठीक है ना। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। कई बार लगता है सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हमें सामने आ रही है यार, मैं क्या करूं इसमें, बताओ ऐसे कैसे तो ऐसे कैसे क्या यार। तो पुत्र गोविंद राज चतुर्थक आ गए ना, यहाँ थे अपन, है ना। शासक बनते समय आयु, ये तो कंफ्यूजन निकालने आने चाहिए। फिर संरक्षक कौन, देखो संरक्षक माता कर्पूरी देवी, जो कि कौन थी, कलचुरी राजकुमारी थी। कलचुरी कहां, अपने चेदी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के, है ना। कलचुरी सी से चंदेल, चेदी सी से चेदी और बी से अपने बुंदेलखंड और एमपी, है ना। चंदेल जो थे वो कंपेयर थोड़ा सा आगे थे, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर ही थे। चंदेल कोई इंपोर्ट नहीं, मतलब कोई अलग नहीं, वो बुंदेलखंड चंदेल शासक ऐसे, कलचुरी चेदी सब एक ही चीज है। मुख्यमंत्री कदमवास राठौर, मारवाड़ ग्रुप का, है ना। सेनापति भुवन मल गुजराती, ऐसे लिखना अपने को, है ना। और कर्पूरी देवी में आप लिख लो, खोल के लिखो आराम से, करपूरी कर्पूरी देवी कलचूरी, कलचूरी पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सरनेम में आने दो, समझ में आएगा। अच्छा, कांचन गुजराती, भुवनमल राठौर है कि नहीं है, पूरा खोल खोल के लिखो, कामराज, है ना। फिर केमास राठौर, ऐसे कदमवास राठौर, पूरा खोल खोल के लिखो। कला व साहित्य के विभाग का अध्यक्ष कौन, पद्मनाभ, ठीक है। ये पद्मनाभ कौन सा पद्मनाभ है, आपने देखा था विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने एक साहित्य सम्मेलन करवाया था एसएस अजमेर में। उस अजमेर में साहित्य सम्मेलन का जो आयोजक करता था, जिसके दिमाग की उपस्थिति, वो था पद्मनाभ। ये कानड़देव प्रबंध का लेखक नहीं है, 200 साल का फर्क है दोनों में। और विग्रहराज चतुर्थ ने जो सम्मेलन कराया था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सोमदेव, जिसने ललित विग्रह लिखा है। विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव और उनकी रानी, उसकी प्रेमिका बिसल देवी की प्रेम कहानी, ठीक है ना। अच्छा, मंदिर बनाया इन्होंने, महादेव मंदिर टोंक जिले में बांध के किनारे, वही जो विश्वराज चतुर्थ ने बनाया, गोकारेश्वर मंदिर, उसके पास में छोटा मंदिर बनाया, शिव मंदिर, ठीक है। ये है महादेव, वही मंदिर है, उसके पास थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन करवाया मंदिर, उसका जीर्णोद्धार कराया, ऐसे है जी। अब इनका दरबारी कवि पृथ्वीराज चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट ये वाला, दरबारी कवि, दरबारी कवि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आते हैं इसमें क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये चंद वरदई है, चंद्र नहीं है, है ना। ये नहीं करना अपन को, च न द र, ये नहीं करना, चंद्र नहीं करना, चंद रखना है, चंद वरदई। किताब है पृथ्वीराज रासो, भाषा हिंदी में। एक इसका अच्छा आप लिख लो, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, वैसे मैंने पहले भी डीप में बता चुका हूँ सारा, है ना। शुरू के जो 8 चैप्टर है वो चंद्रवरदई ने लिखे, चंद्रवरदई ने लिखे, ठीक है। आगे के जो अपन 6 पाते हैं, 6 पाते हैं, उनमें चंद नाम लिखा हुआ है। और फिर लास्ट के जो 4 चैप्टर है भाई, शुरू के आप, मैंने पहले स्रोत में बता रखा, 8 चंद्रवरदई ने लिखे, 6 में सिर्फ राजा नाम चंद आता है और 4 जो है जिलहण, इनके जो पुत्र उन्होंने लिखे, तो ये टोटल हो गया 18 चैप्टर। ये क्वेश्चन अच्छा है कि पृथ्वीराज राजों में कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय, भाषा हिंदी है। हरकेली जो है पृथ्वीराज चतुर्थ की, उसकी भाषा संस्कृत है। फिर दूसरा जो इनके कोर्ट क्रॉनिकल थे, वो जय नायक है, दरबारी कवि, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखा है। तो मैंने बताया जय 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 हे, तो जय विजय और जय नायक, ये कश्मीरी भट्ट ब्राह्मण था, है ना, कश्मीरी ब्राह्मण। तीसरे थे जनार्दन, है ना। तो दो जय जय से आगे भाई चंद्र वरदई, जय नायक और जनार्दन, है ना। फिर पृथ्वी भट्ट, जनार्दन भट्ट, जनार्दन भी, जनार्दन भट्ट भी ले सकते हैं। और था फिर पृथ्वी भट्ट, भाई पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वी है कि नहीं है, जैसे नाम वैसे दरबारी का नाम। तो यहां तक अपने 3 पढ़ लिए, चंद्रवरदई, जय नायक, पृथ्वीराज विजय और अपने क्या, पृथ्वी भट्ट, चंद्रवरदई, जय नायक और पृथ्वी भट्ट, जय जैसे आगे। अब वैसे आएंगे, वह पहला वह तो क्या, विश्वरूप, अगला है वागीश्वर और तीसरा है विद्यापति, विद्यापति गौंड, है ना, बंगाल से विद्यापति गौंड। तो विश्वरूप, वागीश्वर और विद्यापति। देखो वागीश्वर क्या होता है, वागीश्वर एक सरस्वती का प्रायवाची जो विद्या के लिए जानी जाती है।
ठीक है, तो विश्व के अंदर विद्या विद्या, विश्व विद्या विद्या, तो वागीश्वर मतलब विद्या की देवी सरस्वती, तो विश्व रूप फिर वागीश्वर और विद्यापति गौंड, ऐसे बंगाल है ना, यहां से बंगाल को, तो विश्व रूप वागीश्वर और विद्यापति स्वर है ना, वागीश्वर सरस्वती का प्राण, तो विश्व रूप और ईश्वर विश्वरूप वागीश्वर और विद्यापति को, ऐसे ध्यान रखना अपने को, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं, ये कवियों वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवियों वाला वेरी इंपॉर्टेंट, 6-7 आ गए टोटल, है ना। तो याद कैसे रखने अपन को, 7 सबसे पहले देखो चंद्रवर्ती, फिर 2 जय जय से आएंगे, जय नायक और अपने जय नायक पृथ्वीराज विजय और जनार्दन, तो चंद्रवर्ती जय नायक जनार्दन और एक पृथ्वी भट्ट, है ना, जय चंद्रवर्ती जय नायक जनार्दन भट्ट और पृथ्वी भट्ट, तो ये तो 4 हो गए। फिर 3 नीचे वैसे हैं क्या, विश्वरूप विद्यापति और विश्वरूप वागीश्वर और विद्यापति गौंड, है ना, ये जनार्दन है ना, जनार्दन भट्ट कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, भट्ट मतलब विद्वान, और जय नायक जो थे कहां, ये क्या थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, याद रखो एक्स्ट्रा चीज जो है। ओके, फिर इनके घोड़े का नाम था क्या, नाट्यरंभा, ठीक है, नाटक मतलब नाट्यरंभा, डांस करने लग जाता था बीच बीच में, ठीक है, तो नाट्यरंभा ऐसा। अब कुछ प्रमुख घोड़े और जो अपन इतिहास में देखते हैं, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, जो कभी थके नहीं वो कंथक, थकेगा नहीं बुद्ध का। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलाधर, रामदेव जी के घोड़े का नाम था रेवत, ये अपन ने लोक संतों में लोक देवताओं में देखे, देवनारायण जी इज लीलाधर, है ना, लीलन नहीं है, तेजा जी है लीलाधर, रामदेव जी इज रेवत, रह रहे रेवत, है ना, और किरण काबरा मिया जी मांगलिया जी का था, ठीक है, पंचपीरू में, तो किरण काबरा मिया जी मांगलिया, रामदेव जी इज रेवत, है ना, और देवनारायण जी इज लीलाधर, धर याद रखना, लीलाधर, देवनारायण जी लीलाधर, रामदेव जी रेवत एंड मिया जी मांगलिया इज किरण काबरा, और बुद्ध इज अपने कंथक एंड प्रताप इज अपने चेतक, है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और जो सबसे प्रसिद्ध प्रमुख जो हाथी था महाराणा प्रताप के, उसका क्या नाम था, हाथी का नाम बताओ, है ना, हाथी, चेतक का नाम तो घोड़ा सब जानते हैं, हाथी का नाम क्या था, एक बार कमेंट करके बताओ, बाकी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, ये है। ओके, फिर अपन देखते हैं इनका कुछ निर्माण कार्य, इन्होंने क्या निर्माण कार्य करा है, पिथौरागढ़ दिल्ली के अंदर, है ना, ये दिल्ली के पास बसने वाला सबसे पहला शहर था पिथौरागढ़, दिल्ली टोपरा जो था अभिलेख, दिल्ली सूर्य अभिलेख, ठीक है ना, वो बिग्रेराज चतुर्थ का है, ठीक है, जो मैंने बताया था, फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लाए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान के पास जो स्थित है वो बिग्रेराज चतुर्थ है, पिथौरागढ़ एक शहर था दिल्ली के पास, है ना, वो इन्होंने बसाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय का एक अपन उपाधि देखते हैं क्या, राय पिथौरा, दो उपाधि बताई थी पृथ्वीराज तृतीय की, राय पिथौरा और दूसरा क्या, कौन सा पुंगल, दल पुंगल, ऐसे याद रखो उपाधियां। अब जो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे मतलब जो कि पास होने की तमन्ना रखते हैं, वो क्या करेंगे, इन उपाधियों की एक टेबल बनाएंगे अलग से, दरबारी कवियों की एक टेबल बनाएंगे अलग से, विजयों की एक टेबल बनाएंगे अलग से, सब बच्चे नहीं बनाएंगे, जिनको पास होना है केवल वो ही बनाएंगे, आपको पास होना है नहीं होना है आप खुद ही देख लेना, टेबल बनाओगे तो होना है, नहीं बनाओगे तो नहीं होना है, मैं क्या बताऊं, है, तो राय पिथौरा इसलिए इनकी उपाधि है राय पिथौरा, और दूसरी उपाधि अपन ने देखी दल पुंगल। फिर सीसा खान की गुफा देखते हैं अपन तारागढ़ दुर्ग में, वही तारागढ़ दुर्ग वही अजमेर के अंदर। फिर तीसरा अपन देखते हैं इनकी आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में, है ना, चामुंडा आराध्य देवी है चामुंडा माता, चामुंडा माता गुजर प्रत्यानु कुल देवी थी और आराध्य देवी थी अपने अजमेर के चौहान सासों, और अजमेर के चौहान सासों की कुल देवी कौन सी, आशापुरा माता, शाकंभरी माता, शाकंभरी आशापुरा माता एक ही चीज है, एक ही नाम है शाकंभरी अपने सांभर झील जयपुर। फिर अपन देखते हैं इनका स्मारक बना 1978 में, है ना, आजादी के बाद पृथ्वीराज के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ठीक है ना, अपने अजमेर में स्थित है, ठीक है, पृथ्वीराज स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक का मतलब क्या हो जाता है कि केंद्र सरकार उसके रखरखाव के लिए पैसे देगी, उस पर रिसर्च होगी, टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन जाता है, भविष्य में कभी है और इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है, ऐसे तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों किया जाता है, महत्व क्या होता है, क्यों करें, क्योंकि मानगढ़ धाम जो है ना अपने 17 नवंबर 1913 उसकी मांग थी लेकिन उसको नहीं किया गया, तो क्यों किया जाता है किसी स्मारक को राष्ट्र स्मारक और क्या महत्व होता है ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे। फिर इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, है ना, 31 डाक टिकट जारी किया 31 दिसंबर 2000 के अंदर, किस पे, पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर, ऐसे है ये। ओके, तो ये अपने पृथ्वीराज तृतीय का शॉर्ट एंड स्वीट देखा, परिवार परिवार की दृष्टि से अपने सारा देखा कि देखो काल 77 से 92 अंतिम
प्रतापी शासक चौहान की उपाधि राय पिथौरा और दलपुंगला मतलब विश्व जेता जन्म 1166 मनीवा पाटन गुजरात में पिता सोमेश्वर बचपन सोमेश्वर पिता बचपन का पिताजी का बचपन गुजरात में बीता इसलिए बेटे जी का बचपन गुजरात में माता कर्पूरी देवी कलचुरी भाई हरिराज बहन पृथ्वी प्रभाबाई विवाह मेवाड़ में हुआ सॉरी सामन सिंह मेवाड़ी से सामन सिंह मेवाड़ी त्रैन के तृतीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गोरी के विरुद्ध इनकी पत्नी पत्नी का नाम क्या दो संयोगिता और इच्छनी संयोगिता गैरवाल कन्नौज राजकुमारी पुत्र अपन देखते हैं गोविंद राज शासक बनने पर आयु 11 वर्ष और शासक रहे 15 वर्ष संरक्षक भाई 11 वर्ष में ये माइनर थे तो संरक्षक कौन बनी माता कर्पूरी देवी कलचुरी मुख्यमंत्री कदमवास राठौड़ सेनापति बने भुवनमल गुजराती कला व साहित्य विभाग का अध्यक्ष पद्मनाभ मंदिर बनाया इन्होंने महादेव मंदिर टोंक जिले में ठीक है ऐसे फिर दरबारी कवि अपन देखते हैं सात चंद्रवरदई जय नायक ठीक है जनार्दन फिर पृथ्वी भट्ट देन विश्वरूप देन विद्यापति और लास्ट के अंदर विश्वरूप बागेश्वर और विद्यापति गोंड घोड़ा कंतक प्रमुख घोड़े चेतक महाराणा प्रताप कंतक घोड़ा नाट्य रंभा सॉरी घोड़ा नाट्य रंभा प्रताप भी चेतक बुद्धिस्ट कंतक देवनायन जी अपने लीलाधर लीलाधर रामदेव जी रेवत एंड मेयाजी मांगलिया किराव कावड़ा निर्माण कार्य में पिथौरागढ़ दिल्ली के अंदर सीसा खान की गुफा तारागढ़ में आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर बनाया अजमेर में स्मारक राष्ट्रीय स्मारक अजमेर में स्थित का स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया 1970 में और सन 2000 के अंदर 31 दिसंबर 2000 डाक टिकट जारी किया समझ गए इतना तो पृथ्वीराज चौहान कबार ये तो इनकी पर्सनल लाइफ और इनका कंट्रीब्यूशन अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट चारों तरफ से सूत्रों से घिरे हुए कौन पृथ्वीराज चौहान थे ठीक है ना इसको समझने से पहले देखो लोकेशन देखो गुड़गांव हरियाणा देन पंजाब सतलज भिवानी हिसार भरतपुर ये तीसरा अपने चंदेल मैंने जो बताया बुंदेलखंड कलचुरी देन गुजरात देखो देन सिरोही देखो देन कन्नौज देखो देन दिल्ली देखो तुर्क गोरी अपने सूबेदार बन गया था मोहम्मद गोरी बठिंडा का है ना 1173 में बठिंडा तो ये जो आठों जो स्थान है ना इनको एक बार आप मैप पे बनाओ इंडिया के या राजस्थान का मैप लो उसके आसपास बनाओ राजस्थान वाले जो है राजस्थान में बनाओ और राजस्थान के पास पास वाले राजस्थान के मैप पे बनाओ उनको बनाओ एक बार है ना अगला वीडियो देखने से पहले आप इन आठों बिंदुओं को ये जो ज्योग्राफिकल जगह आई है इनको मैप पे बनाओ अगर अगला वीडियो आपको ढंग से समझना है तो बाकी मर्जी है आपकी क्योंकि भाई एग्जाम है आपका क्योंकि भाई उम्र है आपकी क्योंकि उमंग है आपकी है कि नहीं है तो उम्र रखते हो उमंग रखते हो है कि नहीं उम्र का मतलब समय आपका है भैया है ना तो इन आठों बिंदुओं को बनाओ फिर इसके बाद अपन ये टेबल पे चर्चा करेंगे समझ गए ऐसे ये इंपॉर्टेंट है ना ऐसे इस टेबल को बना भी लेना पूरा मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको जिससे समय बच जाएगा इतना ही ठीक है फिर इसके बाद अपन ये तराइन के युद्ध पढ़ेंगे दोनों ये तुर्कों से संघर्ष था आठवां बिंदु तुर्क है फिर तुर्कों से डिटेल में ऐसा आएगा ये ठीक है ना यस ये तो तराइन ये तो देखो तुर्कों से संघर्ष फिर ये तराइन का युद्ध ये ऐसे मतलब तराइन का ये प्रथम युद्ध है और फिर ये तराइन का ये द्वितीय युद्ध है ये परिणाम है फिर पृथ्वीराज चौहान के बाद कौन कौन शासक बने उनको देखेंगे ऐसे ठीक है तो ऐसे इसका बना लो टेबल बना लो फिर देखते हैं आगे ओके।